तो आइए दोस्तों चलते हैं फिर माता रानी चंद्रघंटा के मंदिर, जो कि यहाँ के बनारस के चौक मोहल्ले में स्थित है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम माता चंद्रघंटा और नवरात्रों के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार जब भगवान शिव विवाह करने आए तो माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर भोलेनाथ से विवाह किया। माँ की उपासना से अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माता के 10 हाथ है जिनमें खड़ग, तीर, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र सुशोभित है और इनकी तीसरी आँख हमेशा खुली रहती है। जो भक्त माता की आराधना करता है उन्हें सभी प्रकार के कष्ट और पाप और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माता रानी के मंदिर में जाने के लिए हमें बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को पार करके थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये आपको जो दिख रहा है राइट हैंड साइड को, ये बाबा विश्वनाथ की का जो मंदिर है उसका परिसर है और ये गेट बाबा विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4। ये देखिए दोस्तों, सारी भीड़ को साइड में कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे कोई शायद मंत्री संतरी या कुछ कोई बड़ा अधिकारी आ रहा। तो देखिए पुलिस की जिप्सियाँ 2-3, तो कोई राजकारी अधिकारी आया शायद यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को साइड में कर दिया गया। तो दोस्तों आखिर में हम पहुँच गए हैं माता रानी चंद्रघंटा का जो मंदिर का गेट है मेन रोड पे, वहाँ पे पहुँच गए हम। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा चंद्रघंटा माता मंदिर। तो आइए फिर ये जो गली है ना इससे अंदर चलेंगे। तो अंदर चलते कुछ थोड़े कदम की दूरी पे ही माता रानी चंद्रघंटा का मंदिर है, तो आइए फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मेन रोड से हम माता रानी के जाने के लिए अंदर गली में एंट्री कर चुके हैं। तो देखिए बहुत सकड़ी सी गली है ये, और गली के दोनों साइडों में कुछ मकान इस तरीके से बने हुए हैं, कुछ शॉप वगैरह भी है, बीच बीच में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। अंकल जी किस तरीके से देख रहे हैं। तो दोस्तों गली के लास्ट में आ चुके हैं, गली के राइट हैंड साइड में माता रानी का मंदिर आई। ये देखिए दोस्तों, ये वो गली है जहाँ पे माता रानी चंद्रघंटा का मंदिर है, जो कि नवरात्रों के तीसरे दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। तो ये एक बार फ्रंट से बता देता हूँ आपको। और ये आपको दिख रहा होगा, श्री श्री 108 श्री चंद्रघंटा माता एवं नव दुर्गा माता मंदिर। तो यहाँ पे माता रानी चंद्रघंटा के अलावा और नवदुर्गा माता का भी मंदिर, हर एक रूप की आपको यहाँ पे एक मूर्ति प्रतिमा मिलेगी। और जहाँ पे भोलेनाथ, जहाँ पे माता रानी वहाँ पे भोलेनाथ दूर कैसे रह सकते हैं, बाजू में भोलेनाथ का मंदिर, ये देखिए इसके की अभी द्वार थोड़े बंद हो रहे हैं शायद। आइए फिर मैं आपको मंदिर के अंदर से चल के एक्सप्लोर कर देता हूँ माता रानी का मंदिर कैसे माता रानी। उससे पहले हम माता रानी के, तो ये देखिए दोस्तों माता रानी की प्रतिमा बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी प्रतिमा। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराने के लिए 850 किलोमीटर जयपुर से चल के यहाँ पे वाराणसी में आया हूँ। तो लाइक तो बनता ना दोस्तों। तो ये देखिए माता रानी की प्रतिमा, और यहाँ पे माता रानी चंद्रघंटा के अलावा और भी कई माता रानी के 9 रूप की भी है प्रतिमाएँ। ये देखिए माता रानी कात्यायनी, माता रानी कालरात्रि, शैलपुत्री, काफ़ी सारे रूप है माता रानी के। तो दर्शन कर लीजिए भक्तों, आप जय माता की। तो आप बताएंगे माता रानी का ये जो मंदिर है चंद्रघंटा माता का मंदिर है, तो ये किस तरीके से उद्भव हुआ, माता रानी का किस तरीके से स्थापना हुआ और कितने दिनों पुराना मंदिर है ये? तो आप ये बताएंगे कि माता रानी का मंदिर कितने दिनों पुराना और कैसे इस मंदिर आम पब्लिक के बीच में पता लगा पब्लिक को कि यहाँ पे माता चंद्र। हाँ अच्छा, एक ही जगह स्थापित है माता नव दुर्गा है जो। अच्छा, सभी है। अच्छा आप एक बात बताएंगे, जो माता रानी चंद्रघंटा की आराधना उपासना करते हैं उनको क्या क्या फल देती है माता जी? माता जी सब तरह का फल देती है, जो आप मांगिए। अच्छा, भोग को खाते चुनरी है, नारियल है, घी है, माँ सफेद की दूध चटी ज्यादा लेती है, माँ ज्यादा मांग पता है। आप करिए, आपकी जो मनोकामना आप मांगिए, देखिए माँ ना पूरा करेगा, हम करिएगा माँ को।
हमने खुद देखा है, हमारे सामने कितने लोग अपने अपने मनों की मनोकामना मांगे हैं और उनकी पूरी हुई है, वो आके अपना पूजा पाठ करे भी। मतलब प्रत्यक्ष में आपने माता जी का चमत्कार देखा हुआ है? ठीक है जी, ठीक है, हुआ। तो धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत इतना बताने के लिए। ये देखिए दोस्तों, जो बाजू वाला गेट है मंदिर का, उससे कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है माता रानी के मंदिर का। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और माता रानी के आगे आने वाले रूपों के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। जय माता दी।